वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुत्र दे विछोड़े विच विलक रही महाराणी जिंद कौर ने शेखूपुरे दे किले विचों इफजी रेजिडेंट जॉन लॉरेंस नू जो दो चिट्ठियां लिखियां उन्हां तों उस दे दुख दा कुछ कु अंदाजा लाया जा सकता है। सतगुर प्रसाद लिखतम बीबी साहिब जी लॉरेंस साहिब जोग, असी राजी बाजी शेखूपुरे आण पहुंचे, तुसा साडा असबाब सामभ के भेजना। होर जैसे सम्मण विच बैठे सै तैसे शेखूपुरे बैठे हाँ, दोवें थां इको जे सानू हन, पर तुसा मेरे नाल बहुत जुलम किया है। मेरा पुत्र खो लिया, 10 महीने मैं ढिड विच रखिया है, मन मन पालिया है, अयाणा बिना गल मेरा पुत्र मेरे नालों विछड़िया। मैनू ते कैद रख दे, मेरे आदमी कढ देंदे, मेरियां टहलना कढ देंदे, जिस तरह भी तुहाडी मर्जी चाहुंदी उस तरह मेरे नाल कर दे, पर एक मेरे नाल पुत्र विछोड़ा ना कर दे। वास्ता ही अपने रब दा, वास्ता ही अपने बादशाह दा, जिस दा नमक खांदे हो, मेरा मैनू पुत्र मिले। ये दुख मैथों सहा नहीं जाता, नहीं तो मैनू मरवा देंदे। पुत्र मेरा बहुत अयाणा है, कुछ करन जोगा नहीं, मैं बादशाही छोड़ी, मैनू बादशाही दी कोई लोड़ नहीं, मैं अगे भी कोई उजर नहीं, जो आखोगे सो मैं मन्नांगी। मेरे पुत्र कोल कोई नहीं, भैन भाई नहीं, कोई चाचा ताया नहीं, बाप उसका नहीं, इसनू किदे हवाले कीता जे। मेरे नाल एडे जुलम होए ने, होर मैं शेखूपुरे रहांगी, मैं लाहौर नहीं जावांगी, मेरे पुत्र नू मेरे कोल भेज दिओ। मैं उन्नी दिन ही तुसा पास आऊंगी, जिस दिन दरबार लाउण होणगे उसनू उस दिन मैं भेज देंगी। होर मेरे नाल बहुत सी होई है, तो मेरे पुत्र नाल भी बहुत सी होई है, तो लोगों का कहा भी मान लिया, हुण बस करो, बहुत होई हैगी। महाराणी की तीसरी चिट्ठी 16 भादो संमत 1904 बिक्रमी मुताबक 30 अगस्त 1847 की लिखी हुई है। ये महाराणी की असल बोली विच नहीं, उसका उर्दू विच किता होया उल्था है। सतगुरु प्रसाद लिखतम महाराणी साहिबा, मुरासला आपका पहुंचा, बहुत खुशी हुई है कि मैं तुमको याद हूँ। तुमने जो लिखा है महाराज खुशी है, सुनकर बहुत दिल खुशी हुआ है। जिस दिन से हम लाहौर से चले आए हैं, उस दिन से आज हमने महाराज की खुशी की खबर सुनी है। जो तुमने लिखा है सो सब सच होवेगा, मगर मेरा दिल गवाही नहीं देता कि महाराज खुशी होवे। जिनकी माँ बिछड़ गई होवे वो क्यों राजी होवेगा, महाराज बिना ते यह फल देते हैं। एक तो नादान और एक कभी बिछड़े नहीं थे, आप सियाने हो, बुद्धिमान हो, अपने दिल में समझो कि महाराज किस तरह राजी होंगे। यह जो तुमने लिखा है नज़र ऊपर दोस्ती दोनों सरकार ने बहुत ख्याल खुशी खातर महाराज का है। जो तुमने महाराज की खुशी खातर रखी है वो सारे जमाने में मशहूर हुई है कि रोते हुए को छीन कर शाला बाग को ले गए और माँ को बाल पकड़ बाहर निकाल दिया। तुम्हारे दिल में इतना दरेग ना आया कि महाराज नादान है क्यों कर रहेगा। तुमरे तई इसी इज्जत आबरू के तई रखा था, सो नमक हरामों ने वो इज्जत आबरू भी नहीं रहने दी। एक अफसोस है कि तुमने हमारे जिम्मे समझ कर तकसीर नहीं लगाई, नमक हरामों के कहने पर अमल कर देश निकाला दे दिया। जो किया सो सब आपकी नेक नामी हुई है, मेरी इज्जत आबरू और तुम्हारा जबान का सुखन गया। और जो तुमने मेरे साथ किया है ऐसा किसी खूनी के साथ भी नहीं गुजरता है। मैं सब कुछ छोड़कर फकीर हुई थी, सो तुमने फकीर भी नहीं रहने दिया, और खर्च से हम बहुत तंग हैं। और बंधु जीत को तुम्हारे पास भेजा है, इसको अपने पास रखना, और आधा असबाब हमारे पास पहुंच गया है, आधा नहीं देते, हमको दिलवा दो और खर्च लेकर भेजो। इन्हां चिट्ठियां विच महारानी मुड़ मुड़ के ये आख रही है कि उस उत्ते ना हक जुलम होया है, अते लून हरामिया दे कहे उसनू देश निकाला दे दिता गया है। जिथे वह पुत्र दे विछोड़े विच तड़फ रही है, उत्थे नाल ही बड़े रोह नाल लिखती है कि जो सलूक उस नाल कीता जा रहा है वह किसी खूनी नाल भी नहीं कीता जांदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।